वायु किससे बनी होती है? इस वीडियो में वायु के संघटक, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प एवं धूल के कणों की उपस्थिति को प्रयोग द्वारा ज्ञात करना। वाह संपर्क दीदी, आज तो आप हमें बाहर घुमाने ले आई। अरे सवाली, संपर्क दीदी जरूर हमें कुछ नया सिखाने के लिए यहाँ लाई होंगी, है ना संपर्क दीदी? हाँ हाँ, समझदार होते जा रहे हो तुम लोग। अब मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। अच्छा बताओ तो, धरती का आकार कैसा है? धरती का आकार कुछ कुछ गेंद की तरह है, लेकिन ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है ना? शाबाश। अब बताओ कि धरती का कितना भाग पानी से ढका है और उसे क्या कहते हैं? धरती का 3 भाग पानी से ढका है। 3 चौथाई भाग पानी से ढका है और उसे जलमंडल कहते हैं। अच्छा बच्चों, और कौन कौन से मंडल हैं धरती के? जलमंडल बताती हूँ, याद तो करने दो। जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। अरे वाह, याद है तुम लोगों को। हाँ संपर्क दीदी, और ये भी याद है कि आपने कहा था कि आप हमें बताएंगी वायु कैसे बनती है। हाँ हाँ, मैं तुम लोगों को यही समझाने के लिए यहाँ लाई हूँ। जैसा कि तुम सबको पता है, धरती के चारों तरफ वायु का आवरण है जिसे वायुमंडल कहते हैं। ये धरती की सतह से लगभग 40 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। याद है संपर्क दीदी। तब तो तुम लोगों को ये भी याद होगा कि वायु में क्या क्या उपस्थित होता है। हाँ दीदी, आपने बताया था कि वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, जल वाष्प और कुछ अन्य गैसें भी होती हैं। बिल्कुल ठीक बच्चों, जैसा कि तुम लोग जानते ही हो, हम वायु को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक वैसे ही वायु में उपस्थित चीजों को भी हम देख नहीं सकते। इनकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए हमें कुछ प्रयोग करने होंगे। हाँ हाँ संपर्क दीदी, प्रयोग करने में हमें बहुत मजा आता है। कहाँ करेंगे प्रयोग? यहीं करेंगे क्या? हाँ, कुछ प्रयोग तो हम यहीं कर सकते हैं। मैं अपने साथ कुछ सामान लाई हूँ। देखो, ये एक बोतल है जिसमें चूने का पानी है। इसके ढक्कन को मैंने अच्छी तरह से बंद कर दिया है। देखो, इसमें मैंने 2 नलियाँ लगाई हैं। एक नली चूने के पानी में डूबी हुई है जबकि दूसरी पानी से थोड़ा ऊपर है। दिख रहा है सबको? हाँ दीदी दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्यों किया है आपने? सवाली, जो नली चूने के पानी से ऊपर है, हम उससे हवा बाहर खींचेंगे। ऐसा करने से दूसरी नली से वायु अंदर जाएगी। ऐसा कैसे दीदी? चलो प्रयोग करके समझाती हूँ। चूने का पानी किस रंग का दिख रहा है? चूने का पानी तो साफ है दीदी, कोई रंग तो नहीं दिख रहा। अच्छा खोजी, इस नली से हवा बाहर खींचो। हाँ, थोड़ी देर तक खींचते रहना, ठीक है? संपर्क दीदी, चूने के पानी में तो बुलबुले बन रहे हैं। हाँ, जब खोजी ने इस नली से वायु बाहर खींची तो बोतल में उसकी जगह खाली हो गई। इस खाली जगह को भरने के लिए बाहर से वायु इस दूसरी नली से अंदर आ गई और पानी में मिल गई, इसलिए ये बुलबुले बन रहे हैं। अरे, चूने के पानी का रंग तो बदल रहा है, ये तो दूधिया सा लग रहा है, जादू। जब वायु इस दूसरी नली से अंदर आकर पानी में मिली तो इसका रंग कुछ दूधिया जैसा हो गया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ संपर्क दीदी? ऐसा देखा गया है कि चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर दूधिया रंग बनाता है। जब वायु इस दूसरी नली से अंदर आकर पानी में मिली तो चूने का पानी
हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर दूधिया रंग बना लेता है। तो इससे पता चला ना कि हवा यानी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हाँ दीदी, ये प्रयोग तो बड़ा रोचक था। अच्छा चलो, अब बुलाते हैं संपर्क भैया को। वो आज प्रयोगशाला में तुम सबको कुछ और रोचक प्रयोग करके दिखाएंगे। लो बच्चों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपने नए नए प्रयोगों के साथ। संपर्क दीदी ने तुम सबको वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का सबूत तो दे दिया। चलो अब कुछ और प्रयोग करके देखेंगे कि वायु में और क्या क्या होता है। आओ अब दिखाता हूँ वायु में ऐसी चीज की उपस्थिति जो हमारे जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जानते हो बच्चों, ऑक्सीजन को हम सांस में तो लेते ही हैं, साथ ही किसी चीज के जलने के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कुछ जल ही नहीं सकता। तो वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति को हम किसी चीज को जलाकर जांच सकते हैं। तो चलो करके देखते हैं। इसके लिए एक मोमबत्ती को जलाकर इस तरह टेबल पर रखेंगे। देखो अभी ये कितने अच्छे से जल रही है। अब इस कांच के गिलास को इस मोमबत्ती पर उल्टा करके रख देते हैं, इस तरह। अब ध्यान से मोमबत्ती को देखना। अरे देखो, मोमबत्ती तो बुझ गई। ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने गिलास को उल्टा करके रखा तब गिलास के अंदर कुछ हवा थी, मतलब हवा में मिली हुई कुछ ऑक्सीजन थी, जिसका उपयोग करके मोमबत्ती जलती रही। जैसे ही वो ऑक्सीजन खत्म हुई मोमबत्ती बुझ गई। अगर मैं गिलास को इस पर नहीं रखता तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन मोमबत्ती को मिलती रहती और ये जलती रहती। देखो बच्चों, तो पता लग गई ना वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति। चलो अब एक और प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे अपनी प्रयोगशाला में अंधेरा करना होगा। पर घबराओ नहीं, पूरा अंधेरा नहीं होगा। इस खिड़की को हम थोड़ा सा खोल कर रखेंगे, जिससे तुम सब प्रयोगशाला में आती हुई धूप को अच्छी तरह देख सको। ये देखो खिड़की से कितनी अच्छी धूप अंदर आ रही है। ध्यान से देखना बच्चों, देखो देखो ये इतने सारे छोटे छोटे कण क्या हैं? क्या ये कीटाणु हैं? ये कीटाणु नहीं हैं, ये तो धूल के कण हैं, जो वायु यानी हवा में हमेशा होते हैं। बस कभी कम होते हैं तो कभी ज्यादा। बच्चों अब तो हमने तीन तीन प्रयोग कर लिए। अब बताओ कि वायु में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें जिंदा रखती है? ऑक्सीजन। अब ये बताओ कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, ये जानने के लिए हमें किस चीज ने उसे मिलाकर देखना होगा? चूने के पानी में। चूने के पानी में वायु मिलाने से उसका रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाता है। अच्छा अब बताओ कि मैंने एक गिलास में शरबत डाला और फिर उसमें बर्फ डाली, पता नहीं कैसे गिलास बाहर से पूरा गीला हो गया। शरबत गिलास से बाहर आ गया क्या? नहीं संपर्क दीदी, हवा में पहले से ही जल वाष्प होती है। गिलास की ठंडी सतह को छूकर जल वाष्प भी ठंडी होकर पानी की बूंदों में बदल गई। शाबाश बच्चों, तो चलो अब तुम संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन।
ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियाँ, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।